अब हम लोग डिस्कस करेंगे आप मेरी वीडियो तक देखें और लाइक करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर मजीदल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अब हम बात करते हैं की एक मैनुफैक्चरिंग कंपनी में वर्क फ्लो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी किस तरीके से वर्किंग करती है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे पहले प्रिक्योरमेंट होती है प्रिक्योरमेंट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सिस ऑफ द प्रोडक्शन अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, अरेंजमेंट ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट ऑफ लेबर अरेंजमेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट जब हम लोग उनकी अरेंजमेंट की बात करते हैं तो उसको हम लोग प्रिक्योरमेंट बोलते हैं देन आफ्टर इट इज प्रोडक्शन जब हम की अरेंजमेंट कर लेते हैं तो फिर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल इन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय यूजिंग लेबर एंड इक्विपमेंट जब हम लोग लेबर और इक्विपमेंट को यूज करके अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर तो उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं सो प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटीरियल इन फिनिश्ड गुड्स बाय यूजिंग लेबर एंड इक्विपमेंट आफ्टर प्रोडक्शन इट इज वेयर हाउसिंग एट दिस स्टेज वी स्टोर फिनिश्ड प्रोडक्ट इन टू द वेर हाउस क्योंकि हम लोग तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स उसी वक्त जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो बेच नहीं देते हैं बल्कि उसको अपने वेयर हाउस में रख लेते हैं और जब हमारे पास ऑर्डर आता है या डिमांड आती है हमारे कस्टमर की तरफ से तो उस वक्त हम उसको वो वाली प्रोडक्ट डिस्पैच कर देते हैं वो सेल कर देते हैं सो फिनिश्ड गुड्स हेल्ड अंटिल दे आर सोल्ड दैट प्रोसेस और दैट स्टेज इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग And after warehousing, we make selling. सेल ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सेल्सोर्ट फंक्शनिंग एंड शिपिंग दैट इज कॉल्ड सेलिंग स्टेज सेलिंग के अंदर हम जब भी हमारे पास ऑर्डर रिसीव होता है हमारे कस्टमर की तरफ से और हम उस ऑर्डर को शिप करते हैं हम उस ऑर्डर को कस्टमर को डिस्पैच करते हैं उस तमाम प्रोसेस को उस तमाम स्टेज को उन तमाम एक्टिविटीज को हम सेलिंग के अंदर लेके आते हैं सो इन शॉर्ट वी मे से आई इन मैनुफ

ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी तो मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग चीजें खरीदते हैं और बेच देते हैं उसके अंदर प्रिक्योरमेंट आता है वेयर हाउसिंग आता है और फिर सेल आता है उसके अंदर ये प्रोडक्शन का जो स्टेज होती है ये इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्शन का भी स्टेज लिखी हुई है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वर्क फ्लो इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन नो वी कैन मूव टू वर्ड द कॉस्ट फ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कैसे फ्लो करती है ये हम देख लेते हैं सबसे पहले हम प्रिक्योरमेंट स्टेज की बात करते हैं तो प्रिक्योरमेंट स्टेज के ऊपर हमारी जो कॉस्ट होती हैं वो तीन तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं जो प्रोडक्शन में चाहिए होती हैं दे आर डायरेक्ट मटेरियल्स दे आर डायरेक्ट लेबर एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स तो हम जब इनकी अरेंजमेंट करते हैं अरेंजमेंट ऑफ मटीरियल्स अरेंजमेंट ऑफ लेबर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सुप्लाईज विच आर यूज इन द मैन्युफेक्चरिंग दैट इज कॉल्ड प्रिक्योरमेंट

recorded as an asset in work in process inventory account when we completed the production then that cost moved towards the warehouse in shape of finished goods inventory एट दिस स्टेज कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट यहां से फिर कॉस्ट जो है वो मूव करके फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट में चली जाती है और ये भी एज एन एसेट ही रिकॉर्ड होती है और हम लोग इसको वेयर हाउस के बुक्स के अंदर जो है वो एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं देन द लास्ट स्टेज इज सेलिंग

पिछली जितनी भी स्टेजेस हैं वो कॉस्ट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होती है कॉस्ट जो है वो एज एन एसेट यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं यहां पे आके हम उस एसेट को कन्वर्ट कर देते हैं अपने एक्सपेंस के अंदर तो व्हेन वी सेल द प्रोडक्ट द कॉस्ट विच इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द प्रीवियस स्टेजेस इज कन्वर्टेड इन एक्सपेंसिस एंड दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड cost becomes an expense and it is recorded in cost of goods sold account